दोस्तों मैं हूं सुनीश और आपका स्वागत करता हूं अपने इस गैजेट 9 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक हिंदवेयर का हॉब। जी हाँ, इसे गैस स्टोव भी कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का है। आइए मैं इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार से बताता हूँ, मैंने क्यों इसे सेलेक्ट किया है, मैंने क्यों इसे परचेज किया है, मैं क्यों इसे आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। आप इसे ध्यान से देखें। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे एक हिंदवेयर हॉब की, जिसका मॉडल नंबर है कॉन्टेसा GL प्लस। ये एक कोर बर्नर हॉब है। दोस्तों आइए इस बॉक्स को अब हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। दोस्तों सबसे ऊपर में हमें मिलता है ये एक कटिंग साइज, क्योंकि ये एक बिल्ट इन हॉब है, अतः इसको किचन में स्लैब को कट करके बैठाना होता है, जो कि किचन में स्लैब के ऊपर बैठने के बाद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन का लगता है। दोस्तों ये फुली अनबॉक्स हो चुका है, देखिए इसकी डिज़ाइन कितनी ही सुंदर है, कितनी ही अच्छी लगती है ये तो मुझे देखने में। चूँकि एक हॉब है और ये ऑटोमेटिक बर्नर है, इसके अंदर लगे हुए हैं, अतः इसे हमें स्पार्क देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। जब मैं इसके प्लग इन करता हूँ और मैं इसके नॉब को दबाता हूँ तो इसके बर्नर्स स्पार्क करते हैं, और मैं नॉब को रोटेट करता हूँ तो गैस रिलीज होती है और साथ ही साथ गैस जल जाती है। दोस्तों इसके जो गैस इनलेट की जो जगह है वो यहाँ पर दी गई है और रोटेटेबल नहीं है। मैं इसके बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बैक साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किचन में कुछ डिस्टर्बेंस कर सके। मैं जिस नॉब को घुमाता हूँ उसके सामने की बर्नर ऑपरेट होती है, ये इस वाले की है और ये इसकी, साथ ही साथ ये दोनों इसकी और इसकी है। दोस्तों ये चार बर्नर चारों ही अलग अलग नॉब से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके बर्नर्स ऊपर की ओर दिए गए हैं, अतः इसे हम हॉब की कैटेगरी में रखते हैं। और ये किचन के स्लैब की कटिंग के बाद जब ये पूरी तरह से फिट होती है तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लुक देता है, ये हमारे किचन को एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। ये इसकी वाइट कलर की स्पार्क की है जहाँ से ये स्पार्क होता है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसके बर्नर्स एल्यूमिनियम के दिए गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, और साथ ही साथ इसमें ब्लैक न होने की कैटेगरी दी गई है। दोस्तों मैं इसे अब आपको जलाकर दिखाता हूँ कि ये जलने पर कितना सुंदर लुक देता है। मैं इसके बर्नर्स को वन बाय वन करके जलाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ जो एक आवाज़ सुन रहे होंगे कट कट की, ये इसके स्पार्क की आवाज़ है। मैं ही इसके नॉब को प्रेस करता हूँ, स्पार्क होती है, जो कि स्पार्क की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे, साथ ही साथ नॉब को रोटेट करने पर गैस जल जाती है। मैं इसे लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कि अंधेरे में कितना सुंदर लुक देता है। दोस्तों ये एक मस्ट बाई प्रोडक्ट है यदि आप किचन को एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग और यूनिक लुक देना चाहते हैं तो इसे आपको ज़रूर परचेज करना। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आप तक हमारा वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद। We'll be right back.